न्यूज अपडेट्स को लेके। दोस्तों काफी अच्छे अपडेट्स निकल के आ रहे हैं आपको। सबसे पहले बता दूं रियलमी की तरफ से रियलमी GT2 प्रो लॉन्च हो चुका है इंडिया में। दोस्तों काफी जबरदस्त फोन निकल गया है, 6.7 इंच की QHD प्लस 120Hz का रिफ्रेश रेट के साथ में डिस्प्ले आती है। दोस्तों काफी अच्छी डिस्प्ले है, इसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 मिल जाता है जो कि दोस्तों इस टाइम का लेटेस्ट प्रोसेसर है। 50 मेगापिक्सल और एक 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है रियर साइड में, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट में, 5000 mAh की बैटरी है, 65W का फास्ट चार्जर है, एंड्रॉइड 12 बेस्ड फोन है ये। और दोस्तों रियलमी UI 3.0 के ऊपर आता है। दोस्तों काफी अच्छा फोन है ओवरऑल। इसका प्राइस कल क्या है, 49,999 रुपीज का 8GB 128GB के मॉडल के लिए, और इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस आपको बढ़ेगा 44,999 का। दोस्तों इंट्रोडक्टरी प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा कहूंगा, वैसे थोड़ा ज्यादा लग रहा है प्राइस। दोस्तों आप बताइएगा आपके हिसाब से क्या प्राइस होना चाहिए था। और दोस्तों इसी के साथ में रियलमी ने बड्स एयर 3 को भी लॉन्च कर दिया है। दोस्तों इसका प्राइस रखा गया है 3999 का, लेकिन इंट्रोडक्टरी प्राइस आपको पड़ेगा 3499 रुपीज का। दोस्तों ये सारी चीजें जो मैं रियलमी की आज बता रहा हूं आपको, ये फ्लिपकार्ट के ऊपर जाने वाली है एक्सक्लूसिवली सेल के ऊपर। और दोस्तों काफी अच्छे हैं, 30 आवर्स का बैटरी बैकअप आ जाता है और साथ में आपको डुअल कनेक्टिविटी मिल जाती है। दोस्तों काफी अच्छी बात है, जो भी लोग ट्राई करना चाहते हैं कर पाएंगे जल्दी ही। और दोस्तों रियलमी ने सिर्फ यही चीजें नहीं लॉन्च की है, रियलमी की बुक भी लॉन्च हुई आज, रियलमी बुक प्राइम। दोस्तों काफी अच्छी बुक निकल के आई है, आपको बता दूं इसके अंदर फुल विजन डिस्प्ले सामने निकल के आई है जो कि दोस्तों है 2K, और इसके अंदर आपको 16GB की रैम, 512GB की SSD मिल जाती है यानी कि 512GB की। दोस्तों इसके अंदर आपको पहला वेरियंट जो है वो पड़ता है 64,999 रुपीज का, पर इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस रखा गया है 67,999 का, यानी कि कुछ 7,000 रुपीज का आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर आपको जो बैटरी बैकअप मिल जाता है 12 आवर्स तक का मिल जाता है। दोस्तों ओवरऑल बुक बहुत अच्छी है, जो भी लोग ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसमें आपको 65W का सुपर फास्ट चार्जर भी मिल जाता है साथ में, तो काफी फास्ट चार्जिंग भी अवेलेबल है। और दोस्तों रियलमी स्मार्ट टीवी स्टिक को भी लॉन्च कर दिया अपनी, जिसका प्राइस रखा गया है 2999 का। इसके अंदर आपको अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट मिल जाता है उनके हिसाब से। और दोस्तों इसके अंदर आपको गूगल प्ले स्टोर, गूगल असिस्टेंट और साथ में गूगल क्रोम इनबिल्ट जो आपको कास्ट करने का काम आएगा वो भी मिल जाता है। और साथ में दोस्तों इसके अंदर HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट है। दोस्तों स्टिक भी काफी अच्छी है। वैसे दोस्तों आजकल के टीवी जो आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, टीवी 6 की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। स्मार्ट टीवी 6 तो उनकी जरूरत होती है जिनका स्मार्ट टीवी ना हो, पर अगर आपका स्मार्ट टीवी नहीं है तो आप इसे यूज कर सकते हो और अपने टीवी को स्मार्ट बना सकते हो। और दोस्तों रियलमी की बात कर रहा हूं तो आपको एक और बता देता हूं, रियलमी 9 यानी कि 4G वाला वेरियंट आज लॉन्च हो चुका है इंडिया में। 108 मेगापिक्सल का क्वाड कोर कैमरा सेटअप है इसके अंदर। दोस्तों काफी अच्छी बात है, इसके अंदर आपको जो डिस्प्ले मिलती है वो भी काफी ब्राइट है। इसके अंदर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। और दोस्तों ये आपको बता दूं Qualcomm Snapdragon 680 के ऊपर आता है, इसीलिए ये 4G है। अगर थोड़ा सा पॉइंट बड़ा होता तो ये 5G हो जाता। और दोस्तों ये जो फोन है 5000 mAh की बैटरी के साथ में आता है, 33W का एक फास्ट चार्जर भी आता है। दोस्तों एंड्रॉइड 12 बेस्ड ये भी फोन है और काफी जबरदस्त इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको मिल जाता है, यानी कि काफी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज की गई है। थोड़ा सा ही फर्क है, अगर 5G को मतलब थोड़ा सा एक प्रोसेसर बड़ा कर देते तो ये 5G हो जाता, और काफी ज्यादा अच्छा प्राइस है इसका। इसका प्राइस पड़ता है आपको 17,999 का, पर इंट्रोडक्टरी प्राइस पड़ेगा 15,999 का। दोस्तों फोन बहुत अच्छा है, 6GB और 128GB के लिए आपको ये प्राइस पड़ रहा है, मेरे हिसाब से काफी अच्छा है। जो भी लोग ट्राई करना चाहते हैं कर पाएंगे सारी की सारी चीजें जल्दी ही। और दोस्तों आज जो है काफी बड़ी बड़ी अपडेट्स निकल के आई हैं सामने। सबसे पहले आप बता दूं सैमसंग ने आज अनाउंस कर दिया है कि वो एक अपनी खुद की नई चिप मैन्युफैक्चर करने वाले हैं स्पेशली गैलेक्सी सीरीज के लिए, जो कि उनके गैलेक्सी के फोन आते हैं। तो बेसिकली दोस्तों अब जो है गैलेक्सीज के लिए एक अलग से चिप आएगी। अब दोस्तों यहां पे आप लोग कहोगे कि सैमसंग की अपनी एक्सिनोस आती है, जी आती है। सैमसंग की एक्सिनोस जो है वो लगभग सैमसंग के ही नहीं बल्कि और भी फोन्स में यूज होती है। जैसे मैंने आपको बताया था जो गूगल के टेंसर है वो एक्सिनोस के ऊपर बेस बनाई गई है। इसी तरीके से बहुत से ऐसे स्मार्टफोन्स हैं या बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो सैमसंग की चिप को यूज करती हैं। तो एक्सिनोस जो है सैमसंग की गैलेक्सी सीरीज के लिए प्रॉपर उसी के लिए नहीं बनाई गई है, सबके लिए मिक्स बनाई गई है। और अब जो है सैमसंग कह रहा है कि गैलेक्सी सीरीज के लिए एक स्पेसिफिक चिप बना देंगे, तो अच्छी बात है। वैसे दोस्तों इसका अगला अपडेट जो है वो भी इसी से रिलेटेड है, और बता दूं ओप्पो ने भी आज अनाउंस कर दिया है कि वो अपने फोन के लिए कुछ स्पेशल प्रोसेसर या चिप्स बनाएंगे। अब दोस्तों इसके अंदर जो है उन्होंने कहा है 2024 तक ये लेके आने वाले हैं, और उन्होंने कहा है कि ये बेस्ड रहेंगी बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस के ऊपर। दोस्तों देखते हैं, ओप्पो ने कहा है और ओप्पो के ऊपर आएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ओप्पो वीवो रियलमी हो सकता है ये सारे ब्रांड उसकी यूज कर पाए, क्योंकि ओप्पो या ये सारी जो ब्रांड्स मैंने बोले हैं ये सब सब्सिडरीज हैं एक दूसरे के, तो कर सकते हैं।
वैसे बता दूं, OnePlus ने आज टीवी लॉन्च किया है उनका Y सीरीज का, 43 इंच का Y1S Pro। दोस्तों ये जो टीवी है आपको अवेलेबल हो जाएगा 27,499 रुपीज का इंट्रोडक्टरी प्राइस के साथ में। वैसे इसका प्राइस है 29,999 का। और दोस्तों टीवी बहुत अच्छा है, एंड्रॉइड 11 बेस्ड आता है, इसके अंदर गूगल असिस्टेंट वगैरह का सपोर्ट आपको मिल जाता है। दोस्तों टीवी अच्छा है, 43 इंच का है, जो भी लोग ट्राई करना चाहते हैं इसे कर पाएंगे जल्दी ही। और दोस्तों एक और अपडेट निकल के आ रहा है रियलमी की तरफ से। दोस्तों आप कहोगे आज की वीडियो तो रियलमी बेस्ड है, तो रियलमी 9 प्रो प्लस दोस्तों एक वेरिएंट आ रहा है स्पेशल फ्री फायर एडिशन। दोस्तों ये वाला जो एडिशन होगा ये फ्री फायर बेस्ड स्मार्टफोन होगा, यानी कि ये गेमिंग स्मार्टफोन होने वाला है बेसिकली। इसका डिजाइन वगैरह काफी चेंज होने वाला है, बैक पैनल हो या फिर आपको फ्रंट में मिलेगा, इसके अंदर हो सकता है ट्रिगर्स भी अवेलेबल हो, और पॉसिबिलिटी है दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि होंगे ही। वैसे दोस्तों उन्होंने कहा है कि ये फ्री फायर एडिशन है तो स्पेशली गेमिंग के लिए एडिशन कहेंगे, बाकी देखते हैं जब तक ये निकल के आता है। और दोस्तों व्हाट्सएप के बीटा टेस्टर एंड्रॉइड्स के लिए आपको बता दूं काफी अच्छा अपडेट निकल के आ रहा है, जो मैं आपको बताता रहता हूं कि व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज का रिएक्शन आने वाला है जल्दी ही। बीटा टेस्टर के पास आना शुरू हो चुका है और उनके पास एक ऑप्शन आ गई है, प्लस का बटन आ गया बेसिकली, उसके ऊपर क्लिक करते ही आपको रिएक्शन दिखने शुरू हो जाएंगे कि कौन सा रिएक्शन आप कर पाओगे, जैसे हार्ट का, सैड का, हैप्पी का है, जो भी है तो आप लोग कर पाओगे। और ये जल्दी ही आ सकता है क्योंकि बीटा टेस्टर के पास आ चुका है, तो अब ये लॉन्च हो जाएगा। वैसे दोस्तों एक शाओमी ने आज चाइना में लॉन्च किया उनका वॉकी टॉकी 3। दोस्तों काफी जरूरत लगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, वैसे इसका प्राइस जो है कुछ 40,000 से भी ऊपर का है, पर इसकी जो रेंज है दोस्तों बहुत ज्यादा है, मतलब आप सुनोगे तो आप कहोगे इतनी रेंज वॉकी टॉकी की। दोस्तों इसकी रेंज है 5,000 किलोमीटर की, 5,000 किलोमीटर, मतलब हम यहां खड़े हैं और पता नहीं कितनी दूर जाके हम बात कर सकते हैं वॉकी टॉकी के ऊपर। दोस्तों इतनी ज्यादा रेंज, इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये सैटेलाइट बेस्ड होगा या फिर ये नेटवर्क्स का यूज करते होंगे जो बीच में टावर आते होंगे, क्योंकि एक वॉकी टॉकी की इतनी रेंज नहीं हो सकती है। बाकी दोस्तों उन्होंने आज लॉन्च कर दिया चाइना में, अगर इंडिया में आता तो क्या आप लोगे वॉकी टॉकी 5,000 किलोमीटर तक की रेंज के साथ में। और दोस्तों काफी अच्छा अपडेट निकल के आ रहा है एप्पल यूजर्स के लिए, आपको बता दूं एप्पल आईफोन एक्स, दोस्तों इसका ट्रू डेप्थ कैमरा रिपेयर ऑप्शन आ चुका है। अब जो बेसिकली दोस्तों जो आईफोन एक्स है उन यूजर्स के लिए स्पेशली है कि आईफोन की आपकी जो फेस आईडी अगर खराब हो चुकी है तो आपको पूरा आईफोन चेंज करने की जरूरत नहीं है, पूरा डिवाइस बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो है आप इसे रिपेयर करवा पाओगे, आईफोन जो है मतलब एप्पल जो है इसको अलाउ कर रहा है, और आप जो इसे रिप्लेस कर पाओगे सिर्फ फेस आईडी को, कैमरा वगैरह को, जो भी उसके पार्ट्स खराब होंगे। तो दोस्तों ये काफी अच्छी बात है, नहीं तो पूरा का पूरा फोन ही चला जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है मेरे हिसाब से एप्पल ने। और दोस्तों अब बारी होती है ओप्पो के रेनो सीरीज के बारे में बात करने की। ओप्पो रेनो 8 दोस्तों इसके स्पेक्स लीक हुए हैं, आपको बता दूं OnePlus का 10 Pro जो लॉन्च हुआ है यहां होने वाला है उसकी तरह सेम स्पेक्स होने वाले हैं, यानी कि 8 जन 1 के ऊपर बेस्ड होगा, 6.55 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होने वाला है, 4500 mAh तक की बैटरी हो सकती है, 4300 भी हो सकती है, इसके अंदर आपको 80 वाट तक का फास्ट चार्जर मिल सकता है। दोस्तों 8GB 128GB से पहला वेरिएंट स्टार्ट हो सकता है, एंड्रॉइड 12 बेस्ड होने वाला है। दोस्तों लगभग मैंने सारी स्पेसिफिकेशन बोल दी है, देखते हैं। और उन्होंने कहा है कि ओप्पो रेनो 8 जो है वो OnePlus 10 Pro की तरह सेम होने वाला है। और दोस्तों एक काफी बैड न्यूज निकल के आ रही है चाइना की तरफ से। दोस्तों चाइना जो है उन्होंने अटैक किया, हैकिंग अटैक बेसिकली, डिसरप्ट करने के लिए लद्दाख के पावर ग्रिड्स को। अब दोस्तों पावर स्टेशन वगैरह जो वहां पे है जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और हमें मिलती है, उसके ऊपर अटैक किया गया, साइबर अटैक। दोस्तों इससे फायदा क्या होता है, बेसिकली आप साइबर अटैक करोगे तो उनकी पावर ग्रिड्स की जो लेवल्स हैं वो हिल जाएंगे या फिर बिजली अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों सारा कुछ कंप्यूटर बेस्ड होता है, मशीनरी बेस्ड होती है। तो दोस्तों हमारे जो मिनिस्टर्स हैं जो आर के सिंह हैं उन्होंने कहा है कि इसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ पाया, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इस हैकिंग अटैक को झेल गया और उन्होंने सब कुछ सेट रखा है अभी तक। अब दोस्तों ये काफी बुरी बात है चाइना ने ऐसा किया है, पर देखते हैं इसके ऊपर क्या निकल के आता है और कुछ। और दोस्तों बता दूं अगर आप एप्पल यूज करते हो और एप्पल के अंदर आपको 15 यूज कर रहे हो 15 OS, तो आपको बता दूं iOS 15.5 का बीटा फर्स्ट अपडेट निकल के आ चुका है सामने, तो ये डेवलपर्स के लिए है, अगर आप एक डेवलपर हो तो आप यूज कर सकते हो। इसके अंदर दोस्तों काफी अच्छी एनहेंस की गई है, स्पेशली एप्स के अंदर आपको जो परचेज वगैरह होगी उसको एनहेंस किया गया है इन ऐप या एक्सटर्नल एप्स वगैरह परचेज वगैरह करने के लिए। तो दोस्तों काफी अच्छा अपडेट है। और आपको बता दूं वैसे जून में तो आने वाला है 16 OS का पूरा अपडेट, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। वैसे इसके अंदर आपको बहुत सारे जो बग्स वगैरह हैं वो भी फिक्स हो जाएंगे, तो ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं वीवो की तरफ से आज Y21G डुअल कैमरा के साथ में लॉन्च हो चुका है इंडिया में,
5000 mAh की बैटरी है, प्राइस निकल के आया 13,992 का। 6.51 इंच की HD प्लस डिस्प्ले है और इसके अंदर MediaTek का प्रोसेसर यूज किया गया है। दोस्तों मुझे ये नहीं आइडिया कि MediaTek का कौन से वाला है। वैसे 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर साइड में, 4GB की रैम, 64GB का पहला पीरियड आता है और मैंने प्राइस आपको बता दिया 13,990 का। एंड्रॉइड 11 बेस्ड है, फ्रंट टच OS और इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 18 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाता है। दोस्तों फोन ठीक ठाक है, मैं कहूंगा प्राइस ज्यादा है मेरे हिसाब से, बाकी देखते हैं जो लोग ट्राई करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। और दोस्तों अब बारी होती है ऑटो न्यूज का, ऑटो न्यूज में सबसे पहला अपडेट निकल के आ रहा है मारुति सुजुकी की तरफ से। दोस्तों 31,000 तक ऑफ मिल सकता है आपको वैगनार के ऊपर, एस क्रॉस के ऊपर, सिलेरियो के ऊपर या स्विफ्ट और भी गाड़ियों के ऊपर। तो दोस्तों जो भी लोग ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं, अभी काफी अच्छा ऑफर चल रहा है। वैसे दोस्तों बता दूं मारुति सुजुकी की बात कर रहा हूं तो आर्टिगा का नया जो मॉडल आने वाला है इसकी प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है, तो आप बुक करवा सकते हो इसको। वैसे लॉन्च भी जल्दी हो जाएगा, आर्टिगा है दोस्तों, काफी सारे अपडेट्स होने वाले हैं, देखते हैं। और दोस्तों 2022 की किया सोनेट, इसका प्राइस आया है 7,15,000 इनिशियल और इसके अंदर दोस्तों काफी सारे फीचर्स नए आए हैं और सेफ्टी भी बेटर हो चुकी है पुराने वाली सोनेट से। तो जो भी लोग ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर आपको काफी अच्छे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं, एनहांस या फिर इम्प्रूव्ड इसके अंदर फीचर भी मिल जाते हैं। दोस्तों बहुत सही चीज है। और दोस्तों मारुति सुजुकी की बात करते हैं, फिर से मारुति सुजुकी ने दोस्तों रिकॉल की है उनकी इको, डबल ई सी ओ, इको जो उनकी वैन आती है बेसिकली। दोस्तों 19,731 इको वैन्स को उन्होंने रिकॉल किया, वापस मंगवाया बेसिकली। उन्होंने कहा है कि इसके जो व्हील बेसिस हैं उनके अंदर दिक्कत है, जो एग्जैक्ट साइज होना चाहिए उससे या तो कम है या कहीं ज्यादा है। तो दोस्तों ये मैन्युफैक्चरिंग जो है 2021 के अंदर जो हुई थी उसके अंदर ही है, तो पुराने वालों को नहीं बुलाया, 2021 वालों को ही बुलाया। दोस्तों जो भी लोग जिन्होंने ली है उनको मिल जाएगा इनविटेशन कि आप अपनी इको वापस छोड़ के आइए। और दोस्तों सुजुकी की तरफ से वी स्ट्रॉन्ग एस एक्स आई लॉन्च हो चुका है इंडिया में, इसका प्राइस निकल के आया है 2,11,000 का। इसके अंदर आपको इंजन मिलता है 249cc का, पावर मिलती है 26.2 HP की और टॉर्क मिलेगा 22.2 nm का। दोस्तों मैंने आपको कल सुजुकी की वी स्ट्रॉन्ग 250 के बारे में बताया था, बिल्कुल सेम स्पेक्स निकल के आए हैं पर यहां इंडिया में लॉन्च हुई है वी सट्रोम एसएक्स। तो दोस्तों आज की टेक और ऑटो न्यूज़ अपडेट्स यही पे होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।